इस बोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पर दो लाल लाल काला काला तार है, तो रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स नेगेटिव। तो हम लोग को चेक करना है कि रेड के साथ ब्लैक में 12 वोल्ट आउट मुझे मिल रहा है कि नहीं। इन दैट केस वी विल रिमूव दैट कनेक्टर एंड विल प्रोवाइड द पावर, रॉ पावर हेयर, एंड हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर हम लोग को 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS। ये SMPS का डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो बोर्ड के साथ कोगेट कर सकते हो, ये जो मेन AC पॉइंट है ये पॉइंट है, और ये जो आउटपुट पॉइंट है ये दिस इज़ द आउटपुट पॉइंट जहाँ पर हम लोग को 12 वोल्ट मिल रहा है। तो दिस इज़ द आउटपुट पॉइंट वी कैन सी हेयर। अभी क्या होता है सर, देखिए ये जो AC है 220 वोल्ट AC है, फर्स्ट रेक्टिफाइड होता है, और यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है बाया दिस डायोड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर चार डायोड्स होगा। दिस ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करता है, सो ये इसको रेक्टिफाई करता है, मतलब 220 वोल्ट यहाँ पर जो हमारे पास 220 वोल्ट AC है यहाँ पर आके 220 वोल्ट DC में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसको फिल्टरिंग किया जाता है इस कैपेसिटर से, और स्विचिंग सर्किट इसके अंदर MOSFET रहता है। यूजिंग स्विचिंग सर्किट यहाँ पे हम लोग को 15-50 किलोहर्ट्ज़ का 220 से 300 वोल्ट का AC मिलता है। सो हेयर हमारे पास था 50 हर्ट्ज़ AC, यहाँ पर हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी AC। उसके बाद फिर इसको ट्रांसफॉर्मर से आपको स्टेप डाउन किया जाता है। ये है ट्रांसफॉर्मर, इसको हम लोग स्पेशल जो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, इसको हम लोग बोलते हैं SM ट्रांसफॉर्मर। SM स्टैंड्स फॉर स्विच मोड ट्रांसफॉर्मर। स्विच मोड ट्रांसफॉर्मर इस हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी AC को लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट कर देता है। करने के बाद आप देख रहे हो ये जो डायोड्स है, ये जो डायोड्स है ये वो रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, आउटपुट में चेक करते हैं, और अल्टीमेटली यूजिंग दिस कैपेसिटर ये फिल्टर होता है और आउटपुट में मुझे 12 वोल्ट मिलता है। सो हम लोग को पहले TP1 टेस्ट पॉइंट 1 हम लोग को चेक करना है यहाँ पर 220 वोल्ट AC आ रहा है कि नहीं। फिर टेस्ट पॉइंट 2 हम लोग को चेक करना है यहाँ पर TP2 के हमारे पास जो रेक्टिफायर में आफ्टर रेक्टिफिकेशन नियर अबाउट 300 वोल्ट DC मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है, हेयर फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर से नाप नहीं सकते बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज 15-50 किलोहर्ट्ज़। सो AC हम लोग नहीं नाप सकते, और आप नापने का कोशिश करोगे सो योर मल्टीमीटर में गेट डैमेज ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भूल के भी आपको यहाँ पर मेजर नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको मेजर करना है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट DC मिल रहा है कि नहीं, दैट विल बी योर TP3। सो इस बोर्ड में हमारा TP1 होगा यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि AC आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे फ्यूज़ के बाद वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, मतलब फ्यूज़ से ही कि नहीं। उसके बाद ये जो डायोड्स है, ये जो डायोड्स आप देख रहे हो बेसिकली इसका कैपेसिटर के अक्रॉस में हम लोग चेक करेंगे कि इसमें हम लोग को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। आप यू कैन सी ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है 450 वोल्ट DC, मतलब यहाँ पर हम लोग को अल्टीमेटली TP2 का वोल्टेज देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द मेजरमेंट। तो हम लोग पहले इसको पावर अप करते हैं, फिर अलग अलग टेस्ट पॉइंट में वोल्टेज मेजर करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को पावर अप कर दिया है और मीटर को मैंने 2750 वोल्ट AC में रख दिया है। तो फर्स्ट हम लोग TP1 में, जो TP1 था इसमें हम लोग 220 वोल्ट देखेंगे आ रहा है कि नहीं। तो TP1 का जो वोल्ट पॉइंट्स है यहाँ पर बोर्ड में, ये है ये दो पॉइंट्स ये वाला और ये वाला। सो ओनली कनेक्ट मल्टीमीटर हम लोग देख सकते हैं, इसमें 230 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब पावर आ रहा है। तो देखते हैं पावर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ है। पावर आने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो पावर क्या होता है, ये जो फ्यूज़ है फ्यूज़ से ये ट्रांसफर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट बनाते हैं और देखते हैं फ्यूज़ के बाद वो सप्लाई है कि नहीं। ये है आपका मल्टीमीटर को देखिए, गौर कीजिएगा थोड़ा,
इस पॉइंट में मैं देख रहा हूँ कि 220 वोल्ट है और इसमें फ्यूज के बाद वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्यूज जो है बर्न आउट हो गया है। फ्यूज क्या हुआ है? बर्न आउट हो गया है। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो लोग फ्यूज को बदल देते हैं और इसका बदलने के बाद जब पावर अप करते हैं उससे एक फिर से फायर होके ये फ्यूज उड़ जाता है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये फ्यूज क्यों उड़ा है, देयर इज अ मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ था इसीलिए वो फ्यूज बर्न हो गया था। तो हमको फिर चेक करना है कि किस लिए बर्न हो गया था। बर्न तभी होगा फ्रेंड्स जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा। इस बात में जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये वाला रेक्टिफायर सेक्शन जो कि ना डायोड्स है। अभी हम लोग को डायोड्स को चेक करने पड़ेगा वन बाय वन। फॉर दैट हमको पहले पावर को रिमूव करना पड़ेगा। सो फ्रेंड यू कैन सी ये जो टायर चार डायोड्स है, ये चार डायोड्स मिलके एक ब्रिज रेक्टिफायर प्रोड्यूस करते हैं। तो एक डायोड जो खराब होता है दो तरह से हो सकता है, आइदर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और नहीं तो ओपन सर्किट हो जाता है। सो हमको डायोड टेस्टिंग का प्रोसीजर अगर पता है कि पहले हम लोग को इस लाल को डायोड टेस्ट मीटर को हम लोग अगर डायोड टेस्टिंग में रखते हैं, मीटर को हम लोग अगर डायोड टेस्टिंग में रखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर रखते हैं डायोड टेस्टिंग में और लाल को रेड को अगर हम लोग एनोड मतलब ये ब्लैक पोर्शन में रखते हैं और ब्लैक को अगर कैथोड में रखते हैं तो आई शुड गेट सम रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डायोड फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। मतलब देखिए थोड़ा लाल को मैंने रखा एनोड में और ब्लैक को रखा कैथोड में। देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इट शुड शो, ये अच्छा नहीं से दिखा था। नेक्स्ट डायोड चेक करता हूँ, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, देखिए ये भी नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट चेक करता हूँ एनोड कैथोड, देखिए ये डायोड शॉर्ट हो गया है, डायरेक्टली शॉर्ट हो गया है और ये वाला डायोड ये भी ओपन सर्किट। सो हम लोग देख रहे हैं पहले वाला जो डायोड है ये ओपन सर्किट हो गया है, सेकेंड वाला डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, थर्ड वाला जो डायोड है ये भी ओपन सर्किट हो गया है और फोर्थ पर जो डायोड्स है ये भी ओपन सर्किट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ रहे हैं हम लोग यह का जो चारों डायोड्स जो है रेक्टिफायर का ये खराब हो गया है। नाउ वी हैव टू चेंज द डायोड्स। आफ्टर रिमूविंग द डायोड्स हम एक फ्रिस क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि हम लोगों ने जब कंक्लूशन ड्रॉ किया कि कौन सा डायोड कैसे खराब हो गया है तो वो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी मैं यूजिंग सोल्डरिंग आयरन जो ये डायोड्स है डायोड्स को रिमूव करने कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने एक डायोड रिमूव कर लिया है, एक डायोड मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, ऐसे आप सबसिक्वेंट डायोड्स को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड आई हैव ऑलरेडी रिप्लेस द बोथ द डायोड्स, आई हैव रिप्लेस्ड एंड नाउ आई वांटेड टू शो यू द फॉल्टी डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इफ आई पुट द मल्टीमीटर इन द डायोड टेस्टिंग मोड and take the faulty diode and connect anode to positive and cathode to negative, you can see what happens, it is showing short circuit. If I reverse the diode also, that time also, so this is a faulty diode which I have replaced. Now what we can do, as we have some test points, we can check the voltages, different voltages in different TP points which we earlier mentioned. So initially we will first check the output voltage, that means is the output is coming.
So we know that this is our output voltage points. So you can see multimeter is here. So we can connect the here. You can see 12 volt is coming. That means our power supply is done. We have corrected the power supply, we have repaired the power supply. And as I told that in the TP2, you will be getting 300 volt DC. Let's check it is available or not. This is the capacitor where you will be, this is the capacitor where you will, across which you will get the 220 volt. So just I am rewriting the, okay. Now, what do? We keep the multimeter at 1000 volt DC. 1000 volt DC. And let's check the voltage across the capacitor, how much it is showing. According to our theory, it should show near about 250 to 300 volts. See, it is showing 338 volt DC. So this is the our nothing but our test point 2. Test point 2 means this point where I told that here you'll be getting a voltage around 300 volt DC. So by that we can say that our power supply repairing is successful. Now we have to connect with the monitor and let's see whether it is working or not. So we are connecting the first power supply connector of the monitor, and then we will put power supply and we will check whether display is coming on the LCD or not. So let's connect the power supply also. So I'm connecting the power supply. As you can see, this is our power supply point where we can connect the power supply. So we are connecting the power supply and see power already has gone. So we get a signal. So now we can check it by connecting VGA connector in this monitor. So if we connect a VGA connector monitor, VGA connector. So as you see, display has come. We can see that our monitor is already repaired. So we have to assemble it now and finally we'll show you the output. So we have assembled the monitor totally and you can see the monitor is working as usual. So please give your feedback, how was the video, and if you like the video, please subscribe, like and hit bell icon for more related video. Thank you very much. Goodbye.